हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है IRFC और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। और ये जो कंपनी है इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 22 रुपीज़ 30 पैसा और इस शेयर में जो है आज के दिन 1.5% की जो है पॉजिटिव मूवमेंट दिखी है हमें। और तो चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं और फ्यूचर में ये कंपनी कैसे ग्रोथ कर सकती है और हमारा यहाँ पे पैसा बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ये कंपनी जो है फ्यूचर में मल्टीपेगर बन के हमारे सामने आ सकती है कि नहीं, इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अगर प्रोज की बात करेंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रोज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपनी लायबिलिटी जो है कंपनी ने कम की हुई है और 3 साल का जो है यहाँ पे बेहतरीन रेवेन्यू बना के दिया हुआ है और बाइंग सेल में सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है और बहुत ही बुलिश तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ पे हम फ्यूचर में इसके बारे में सोच सकते हैं। और इसी साथ अगर हम इसके जो PE रेशो की बात करेंगे तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4.66 का है और EPS भी यहाँ जो है फ़िलहाल ठीक चल रहा है। मार्केट कैप जो कंपनी का है वो है 29,142 करोड़ रुपीज़ का और ये सेक्शन में जो है ये कंपनी नंबर 1 पे है। और कंपनी जो है डिविडेंड बहुत ही ज़बरदस्त देती है 6.28% का, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ है, यानी फ्यूचर में आपको ये जो शेयर है उस वो स्प्लिट और बोनस देता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर इसके आप 52 वीक हाई और लो की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 वीक हाई जो है इसका वो 26 रुपीज़ 45 पैसा है और इसका 52 वीक लो जो है वो है 19 रुपीज़ 30 पैसा, यानी अपनी ऑलमोस्ट हाई के पास ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं। और अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी की ओर से, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है, यानी बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड कर किया जा रहा है ये शेयर को, क्योंकि ये जो शेयर है फ्यूचर में अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। और ये जो कंपनी है IRFC, ये सभी के सभी जो रेलवे प्रोजेक्ट्स रहते हैं उन्हीं को फाइनेंस करने वाली गवर्नमेंट कंपनी है। ये कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर के जो सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स रहते हैं उन्हीं को फाइनेंस करती रहती है। तो यहाँ पे आप अपने बने रहने के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो रेवेन्यू है वो 3 साल के CAGR को जो है बीट करते हुए आगे पहुँच रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी के साथ इसका जो इनकम जो ग्रोथ है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा ही बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जून से लेकर सितंबर, सितंबर से लेकर दिसंबर। तो चलिए हम इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका जो है यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 86% की जो है प्रमोटर होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड की भी यहाँ पे होल्डिंग है। तो इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे और देखेंगे कंपनी के अंदर और क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या ये कंपनी काम कर सकती है फ्यूचर में, हमें कहाँ तक हमारा जो है पैसा बना के दे सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ ये कंपनी का अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये कंपनी किन किन सेक्टर में काम करती है, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर काम करती है और ये जो लोगों को जो फाइनेंशियल जो रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए जो फंड्स की ज़रूरत रहती है फाइनेंस की वो यहाँ से है जो सप्लाई करती रहती है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं और इसके अंदर बने रहने के बारे में भी सोच सकते हैं। मार्केट एक अप कैप यहाँ पे कंपनी का देख सकते हैं 29,000 करोड़ रुपीज़ का है और करंट प्राइस 52 वीक हाई 26 का 52 वीक लो जो है 19 रुपीज़ का है। स्टॉक PE और जो है 4.65 का है, बुक वैल्यू के से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू उसकी 31 रुपीज़ की है और फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 20। अगर बात इसके डिविडेंड की जाए तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6.28% का जो है डिविडेंड देती है कंपनी। ROC ROE दोनों बेहतरीन पोजीशन पे है। फेस वैल्यू जैसे कि आपको पता है 10 रुपीज़ का है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 86.40% की है, गजब की प्रमोटर होल्डिंग है। आप अगर इसके ऊपर डेप्थ देख सकते हैं वो है 3,88,440 करोड़ रुपीज़ का। इसके ऊपर अगर डेप्थ को अगर इक्विटी में कन्वर्ट किया जाए, शेयर्स में अगर इसकी कन्वर्जन किया जाए तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट 10% का जो है यहाँ पे प्लेज है। तो आप अगर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर प्रमोटर ने अपना जो शेयर होल्डिंग है अगर वो सेल करके भी यहाँ पे अगर अपना डेप्थ क्लियर कर दिया तब भी प्रमोटर के पास बहुत ही बड़ी क्वान्टिटी में यहाँ पे जो शेयर्स हैं। आप यहाँ पे अगर नीचे आएंगे इसका देख सकते हैं शेयर, इसका अगर प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो शेयर है ये वो अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यहाँ पे बहुत ही बेहतर है और 5 साल में जो CAGR है कंपनी का ग्रोथ ऑन रिटर्न वो भी बेहतरीन तरीके से है और हेल्दी डिविडेंड जो है मेंटेन करके रखा है कंपनी ने। और अगर इसके हम जो कॉन्स की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो
इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो थोड़ा कम है, टैक्स भी थोड़ा सा कम है, और इसी के साथ जो है और भी थोड़ा सा मतलब कुछ डिफॉल्टीज हैं। और अगर इसके हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो अपने सेक्टर की जो है लीडिंग कंपनियों में से एक है IRFC, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इतने कम प्राइस में अपने सेक्टर की लीडर कंपनी बहुत ही कम देखने को मिलती है। आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना पैसा, और साथ ही साथ अच्छा रिटर्न भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और अगर हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छी खासी कंपनी ने जो है यहाँ पे ग्रोथ दिखाई हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स भी यहाँ पे कंपनी ने जो है अच्छा खासा जंप करके मेंटेन करके रखा हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर इसके हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करेंगे और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करेंगे तो कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बड़ी बड़ी जंप लगा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हमेशा जो है जो भी जो रेवेन्यू है उसका सेल्स और रेवेन्यू है वो इंक्रीज ही होता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसी साथ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स भी आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, और बेहतरीन तरीके से खुद को जो है कंपनी आगे प्रूव करते हुए जा रही है एक अच्छे लक्ष्य की ओर। और अगर यहाँ पे हम उसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि आपने को आपको यहाँ देख सकते हैं कि 86.36% की जो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, और कंपनी ने ये होल्डिंग जो है मेंटेन करके रखा हुआ है। यहाँ पे फॉरेनर्स की भी होल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीज़ ही होते जा रही है, 1.05% की होल्डिंग है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की अगर बात करेंगे वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो भी लगातार इंक्रीज़ होते जा रही है। और पब्लिक के पास रिपोर्ट 9.19 का जो है वो होल्डिंग है। और इसके अलावा इस जो शेयर में जो है म्यूचुअल फंड वालों ने और LIC वालों ने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं और फ्यूचर में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके एक मल्टीबैगर रिटर्न पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।